हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, मायसेल्फ शबीर हसन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं JKPM SSS पे, जो जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसे हम कहते थे PMSSS, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो इस पे हम बात करने वाले हैं, ये स्कॉलरशिप है क्या, इसकी डेट क्यों नहीं आई इस साल या कब आएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट नई अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी मैन AICT की मैन वेबसाइट पे आते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है AICT.india.org, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेब पोर्टल आ जाएगी, उस पर आपको नीचे आना है। लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PMSSS JK, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास इसकी पोर्टल खुल जाएगी PMSSS की। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये क्या स्कीम थी, कब से शुरू हो गई ये, इस साल क्यों नहीं आई डेट, या कब आएगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को, जो 2013 से स्टार्ट हो गई थी, अब तक चल रही थी। तो हम अब इस पे कई डाउट्स आ रहे हैं कि क्या ये बंद हो गई है, या इस साल क्यों नहीं आई, इसकी नोट्स क्यों नहीं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस साल स्टार्ट किए थे, ये सारे हम डाउट्स क्लियर करने वाले हैं आपको। पहले हम बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो दी जाती थी वो 12th के बाद ग्रेजुएशन तक दी जाती थी स्टूडेंट्स को। फुल ग्रेजुएशन पैकेज आता था इसमें, उसमें आती थी, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते थे, जितना पैकेज कॉलेज का होता था उतना आता था, सारा हॉस्टल फीस आता था, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का फीस आता था पूरा। जैसे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के लिए 3.5 लाख आते थे, उसमें 2.5 लाख कॉलेज के लिए चले जाते थे फीस और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, और 1 लाख अकाउंट में आ जाता था स्टूडेंट्स के। तो ये 2013 से स्टार्ट की गई थी, और एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट था 7 साल का, जो 2013 से 2020 तक वो 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो अब इस साल एक तो ऊपर से COVID-19 चल रहा था, दूसरी प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हुआ था, तो ऑल इंडिया टेक्निकल वाले थे, AICT वाले थे, ये अब वेट कर रहे थे कि वो कब अनाउंस कर दें कि हमने दूसरा पैकेज दे दिया है जम्मू कश्मीर की स्कॉलरशिप के लिए, तो ये फॉर्म जारी कर देते उसी टाइम से। और इसके फॉर्म अप्रैल से स्टार्ट होते थे, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एडमिशन होते थे, तब तक इसकी प्रोसेस चल रही थी, रजिस्ट्रेशन होती है तब तक, अगस्त से रजिस्ट्रेशन हो रही थी अप्रैल से और अगस्त तक। तो दोस्तों, और ऊपर से जब से 370 हटा दिया गया यहां से, और वो भी एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लिए, और ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती थी ये भी एक स्पेशल स्कॉलरशिप थी, उसकी वजह से शायद हमें लग रहा है कि ये अब नहीं मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स को। दूसरी बात, इस साल पे हम बात करेंगे, जो इस साल उन्होंने नोट्स निकाली थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से, यहाँ पे द कंटिन्यूशन ऑफ PMSSS स्कीम एंड रिलेटेड डेट्स विल बी अनाउंसड शॉर्टली। इस पे भी कई वीडियोस आई हैं यूट्यूब पे, मैंने भी वो देखे हैं, कि बता रहे हैं कि शॉर्टली इसकी डेट आएगी PMSSS JK के लिए, वो इस भी इसकी आएगी, मगर इस पे कई डाउट्स हैं दोस्तों। ये जब से मुझे मालूम है, जब से मैंने डिटेल्स ली है इसके रिलेटेड, ये जून से चल रही है नोट्स। तो जब ये बता रहे हैं कि शॉर्टली अनाउंस कर देंगे हम रजिस्ट्रेशन डेट, तब तो एट दस दिन में तो आ जाती है डेट्स, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि जून से चल रही है। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो आप खुद भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, हम यहाँ आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप वापस आ जाओगे मैन पोर्टल पे। इसके अंदर है ही नहीं कुछ PDF जो आपको क्लेरिफाई कर दे, डेट क्लेरिफाई कर दे, मेंशन उसमें डेट हो, कहाँ से हो, या इसमें भी नहीं है सेशन। तो ऊपर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS JK, ये 2021 है। अगर इस साल के लिए इनको डेट अनाउंसमेंट करना था तो यहाँ पे 21-22 लिखा हुआ होता। तो ये जो नोटिफिकेशन आप खुद भी चेक कर सकते हो, जो इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आई, ये जून में आई थी, और इससे पहले भी एक नोट्स जून में आई थी। तो अब हम इस पे कोई इस्तदलाल नहीं कर सकते हैं कि अब आएगा या नहीं आएगा, अगर फिर भी आया वो हमारे लिए खुशी की बात होगी, और हम गवर्नमेंट
पीएम ट्रिपल एस के लिए प्राइम मिनिस्टर से अपील भी करते हैं कि प्लीज़ इसको बहाल किया जाए, शॉर्टली इसकी अनाउंसमेंट डेट की जाए। तो अगर इसकी डेट आ जाएगी तो वो हमारी जेके स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात होगी। तो दोस्तों अगर इस पे अब डेट आ जाएगी भी नोट्स की डेट, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखें। जब भी इसकी नोट्स आ जाएगी हम आपके लिए एक नए सिरे से वीडियो बनाएंगे उस पे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।